अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 11 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 11 साउंड एंड द एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस एंड यू हैव फोर चॉइसेस ऑफ ईच एमसीक्यू एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन so the first mcq is which is an example of longitudinal wave a sound wave b light wave c radio wave and d water wave so in my cone example is longitudinal wave so sound wave is an example of the longitudinal wave so the option a is correct next mcq how does sound travel from its source to your ear the sound you have a source se leker, आपके एयर तक किस तरह से ट्रैवल करता है ऑप्शंस आर ए बाय चेंजिंग एयर प्रेशर बी बाय वाइब्रेशंस इन वायर्स और स्ट्रिंग्स एंड द नेक्स्ट ऑप्शंस द नेक्स्ट ऑप्शन सी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डी बाय इंफ्रारेड वेव सो साउंड जो है बेसिकली ट्रैवल करता है सोर्स से लेकर हमारे एयर तक बाय द चेंजिंग ऑफ एयर प्रेशर बिकॉज एज वी स्टडीड बिफोर कि साउंड प्रोड्यूस भी होता है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स सो जब साउंड एक जगह से प्रोड्यूस हो रहा होता है तो अब एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से फर्दर जो है वो साउंड ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज बाय चेंजिंग एयर प्रेशर क्लियर एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू थ्री विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड ए इलेक्ट्रिकल बी मैकेनिकल सी थर्मल एंड डी केमिकल So, in my second C form of energy, sound energy So that is the mechanical energy. Okay, so mechanical energy that is the sound energy. Okay, now the fourth astronauts in space need to communicate with each other by radio links because a sound waves travel very slowly in space, b sound waves travel very fast in space, c sound waves cannot travel in space. एंड डी साउंड वेव्स है उनको स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक्स के थ्रू वो क्यों कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है सो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस द फिफ्थ एमसी क्यू The loudness of a sound is most closely related to its a frequency, b period, c wavelength and d amplitude. So loudness jo hai कि sabse zyada related hoti hai amplitude par Amplitude जितना ज्यादा होगा उस sound की loudness उतनी ज्यादा होगी. So option D is correct. And the next MCQ. MCQ number seven.

which is 20 hertz to 20000 hertz 20 kilo means 20000 hertz clear and the last MCU, when the frequency of a sound wave is increased which of the following will decrease the first is wavelength second is period and third is amplitude so ab agar hum kisi bhi sound wave ki frequency ko increase karte hain wavelength decrease hogi Kis se, as according to the formula we know that v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा सो लेमडा यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा so, यहां पर फ्रिक्वेंसी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ ड्रीज होगी सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाय टाइम पीरियड दैट मीन फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्सली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा सो द वन एंड टू मींस के फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है और पीरियड भी डिक्रीज हो रहा है नॉट इफ यू लुक एट दिट्यूड सो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से एम्पलीट्यूड में भी कॉन्स्टेंट रहता है या फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है क्लियर दैट मीन की एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज नहीं होता सो द ऑप्शन वन एंड टू आर करेक्ट सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज वन एंड टू ओनली सो वन और टू जो है ये दोनों डिक्रीज करेंगे क्लियर सो आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू क्वेश्चंस तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज